जिहड़ियां सरकारी एजेंसियां ने जां सरकार नाल बिके होए लीडर हुंदे ने इह हमेशा जिहड़े हक सच बोलण वाले बंदे हुंदे ने हमेशा उहनां नूं बदनाम करन वास्ते इह चालां चलीआं जांदीआं ने। दीप सिद्धू ते बाई लखा सधाणा जी ने इहनां ने साडे पंजाब वास्ते साडी कौम वास्ते इह कम्म करिआ। कोई भी जिन्नियां भी स्पीचां देख सकदे हो तुसीं इह किसानां दे हक च ही बोले ने ते जूथ है असीं इहनां दे नाल आ। इन्होंने लाल किले से झंडा चढ़ाता केसरी निशान तो सानू गुरु नानक साहब जी ने इस तो 500 साल पहला दिता ये तिरंगा तो यदि उम्र 70-75 साल की है भाई। सानू सच्चे बंदे लगते हैं क्योंकि हजे तक कोई कमी नहीं आई इन्हें अगे होके लड़ते हैं सच बोलना रलाना नहीं चाहते होंगे कदे वास्ते भी है और इन्होंने इस तरी इन्हों दीप सिद्धू के लखे सिधाने वखरा रखे ता ही इन्हों स्टेजा को नहीं बोलन देंगे। किसानी अंदोलन दौरान 26 जनवरी नूं लाल किले ते झंडा चाढ़न दे चलदिआं गिरफ्तार दीप सिद्धू अते समाज सेवी लखा सधाणा दे हक विच हलका लहरा गागा दे नौजवानां ने अपनी आवाज़ बुलंद कीती है। इस बारे श्रोमणी अकाली दल मान दे आगू पाल सिंह खाई तो इलावा साध सिंह ने पत्रकारां नूं दस्सिआ कि नौजवान किसानां अते किसानी दे हक विच खड़े ने। इहदी जिहड़ा दीप सिद्धू ते बाई लखा सधाणा जी ने इन्हां ने साडे पंजाब वास्ते साडी कौम वास्ते इह कम्म करिआ। इह जिहड़ी नौजवानी है ना कदे वास्ते आ जिहड़ियां सरकारी एजेंसियां ने जां सरकार नाल बिके होए लीडर हुंदे ने इह हमेशा जिहड़े हक सच बोलण वाले बंदे हुंदे ने चाहे नौजवान ने चाहे ओह वड्डी उमर दे ने हमेशा उहनां नूं बदनाम करन वास्ते इह चालां चलीआं जांदीआं ने। जिवें हुण दिल्ली विच चलीआं इन्हां ने भी इह जी इन्हां ने लाल किले ते झंडा चढ़ाता नाले देखो जिहड़ा केसरी निशान है केसरी निशान तो सानू गुरु नानक साहब जी ने इस तो 500 साल पहला दिता ये तिरंगा तो यदि उम्र 70-75 साल की है कितने केसरी निशान किन्ना साडा लंबे समय तो मिले। बाकी तुसी देखो जदों भी ना हक सच वास्ते लड़न वास्ते बदनाम करना हुंदा जिवें संत भिंडरांवाले नूं इन्हां ने बदनाम करिया सरकारी एजेंसियां ने। देखो संत जरनैल सिंह जी सच्चे सुचे आदमी सी क्योंकि वह पंजाब वास्ते सिक्कां वास्ते लड़ मरना चाहुंदे सी हक दवाउणा चाहुंदे सी इन्हां नूं भी इसे प्लैनिंग नाल बदनाम करिया। बिल्कुल लड़दी चाहीदी इह तां पहलां कहिंदे ने दीप सिद्धू ने जदों संभू बैरीअर ते लाया नाका उहदा उहदी कहिंदे सानूं इकट्ठे हो के पर जिहड़े बिके होए बंदे हुंदे ने ओह नाल सच बोलना नूं रलाउणा नहीं चाहुंदे हुंदे कदे वास्ते भी है ओह इन्हां ने इस तरी इन्हां नूं दीप सिद्धू दे लखे सधाणे नूं वखरा रखिआ तां ही इन्हां नूं स्टेजां तों नहीं बोलण दिंदे सी। इह बई जी हजे तक इन्हां ने कोई इही जी हरकत नहीं करी कोई इही जी इन्हां दी ओह अगे नहीं आई भी कोई इह किसानां दे विरोध च होणा। कोई भी जिन्नियां भी स्पीचां देख सकदे हो तुसीं इह किसानां दे हक च ही बोले ने ते जूथ है असीं इन्हां दे नाल आ। जिन्ना चिर इह दोषी करार नहीं उन्ना चिर असीं इन्हां दे नाल आ। स्टिकर भी लावांगे रैली भी कढ़ांगे ते इस करके चल रहा जी कम्म बई। सानू सच्चे बंदे लगते हैं क्योंकि हजे तक कोई कमी नहीं आई इन्हां च अगे होके लड़ते हैं ते जथेबंदियां नूं भी चाहिए उन्होंने नाल लैके तुरन ते जूथ इन्ना करके गया। हाँ जी हाँ जी मैं यही कहना भी उन्होंने भी नाल रखण वह भी पंजाब के पुत ने भी सारे इकट्ठे होकर एक मुठ होकर यह जंग लड़नी चाहिए है ते यही बेनती करदा सारे जथेबंदियों सारे लोगों नू भी सारे इकट्ठे हो जाओ एक मुठ हो जाओ फिर यह आप जंग जित सकते हैं नहीं तो हार है भरावो जिन्ना चिर इकट्ठे नहीं होंगे। तुसीं सुनिया कि इन्हां व्यक्तियों का कहना है कि सरकारी एजेंसियां हक सच ते बोलण वालियां नू बदनाम कर ली कोझियां चालां चल रही ने। इस तों इलावा भी लगातार वख-वख ढंगां नाल दीप सिद्धू की रिहाई लई अते लखा सधाणा बारे लोग आवाज़ बुलंद कर रहे ने। चैनल पंजाबी लई संगरूर तों अनिल जैन की खास रिपोर्ट। साडा हर एक प्रोग्राम वेखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।